बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर हमारे पास फार्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल के, अल्काइल रेडिकल की फार्मेशन कैसे होती है। वो कहता है अल्काइल रेडिकल किससे बनते हैं, अल्केन से ड्राइव होती हैं। कैसे, ठीक है, ये हमारे पास अल्केन है CH4। अल्केन, अगर अल्केन से हाइड्रोजन मूव करेंगे ना एक, उसको हम कहेंगे अल्काइल। ठीक है, कैसे, ये ANE जो है ना वो रिप्लेस करके किससे हम कहेंगे YLE से, क्यों, इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गई है तो ये हम कहते हैं अल्काइल। अगर फॉर एग्जांपल अल्केन की एग्जांपल है मीथेन, अगर हम इसका लिख देते हैं CH3, अगर ये हम लिख दिए तो ये क्या बन गया, मीथाइल। ठीक है, अब वो कहता है कि इसकी फार्मेशन होती कैसे है। कहता है फार्मेशन होती है कि रिमूव करते हैं हम क्या अल्केन में से क्या हाइड्रोजन एटम, तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल। क्या बन जाएगा, अल्काइल रेडिकल। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये रिप्रेजेंटेड किससे किया जाता है, कैपिटल आर से। कैपिटल आर की इससे रिप्रेजेंटेशन है, रिटर्न बाय रिप्लेसिंग वन ऑफ, कहता है अल्केन का ANE अगर रिमूव करके हम YL लिख दें तो ये क्या बन जाता है, अल्काइल। क्या बन जाएगा, अल्काइल। अगर अल्केन की जगह मीथेन लिख देते तो ये मीथाइल। वो कहता है कि यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला ये स्मॉल n है, उसका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला CnH2n+1। कैसे, ये हमारे पास अल्काइल, कैसे, ये हमारे पास कार्बन वन है, अगर वन आ गया तो वन है तो यहाँ पे हमारे पास एच है तो H2 × 1+1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है GCH3। और CH3 किस क्या कहते हैं, मीथाइल, इसको हम क्या कहते हैं, मीथाइल। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास इसकी जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला का मतलब यहाँ पे हम NP की वैल्यू कुछ भी पुट करके तो जो हमारे पास आएगा वो मिथाइल। अगर हम उसके बाद इसकी जो है ना वो एग्जाम्पल देखें, प्रोपेन है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। कहते हैं कि प्रोपेन क्या होती है, ठीक है, प्रोपेन एक अल्केन है, उसके बाद ब्यूटेन एक अल्केन है, पेंटेन एक अल्केन है, तो उससे हमने क्या बनाना है, उससे हमने अल्काइल बनाना है। कैसे, प्रोपेन है तो प्रोपेन का क्या बनेगा, प्रोपाइल, जब एच रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। कब बनेगा ये, कहता कि जब हम क्या करेंगे, वैन एच रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे फ्राम सेंट्रल कार्बन से। कहता अगर हम टर्मिनल से करें तो एन प्रोपाइल बनेगा, अगर हम सेंटर से करें तो वो क्या बनेगा, ये कार्बन है, सिफर कार्बन है इज रिमूव, तो वो बनेगा आइसोप्रोपाइल। क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल। उसके लिए, आइसोप्रोपाइल के लिए अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि डिटेल से कि क्या होता है उसमें, जो है ना वो किस तरह उसकी फार्मेशन होती है और किस तरह उसको हम जो है ना उसके नेक्स्ट जो है ना वो अल्काइल रेडिकल्स बनाते हैं।